नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द आपको OnePlus 5T और OnePlus 6 का कंपैरिजन दिखाऊंगा, तो ये लीजिए मैं आपके पास इन दोनों फोन्स का एक छोटा सा सही लेकिन कंपैरिजन जरूर लेके आया हूं। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरे सामने ये दोनों फोन्स पड़े हैं, एक तरफ है OnePlus 5T और दूसरी तरफ है OnePlus 6। आप खुद ही सबसे पहले इन दोनों के स्क्रीन से ही इसका डिफरेंस पता लगा सकते हैं। OnePlus 6 में आपको नॉच डिस्प्ले मिलता है, बेजल आप देख सकते हैं कि साइड वाले ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नीचे का जो बेजल है वो पहले के मुकाबले OnePlus 5T के मुकाबले काफ़ी पतला कर दिया गया है। तो यही एक सबसे बड़ी खूबी लग रही है इस फ़ोन की, OnePlus 6 की। और साथ साथ आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OnePlus 5T में अलर्ट स्लाइडर लेफ्ट साइड पर दिया है, जबकि OnePlus 6 का जो अलर्ट स्लाइडर है वो कंपनी ने अब राइट साइड में कर दिया है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन यूसेज के टाइम शायद आपको थोड़ी सी इसे आसानी हो। वहीं हम बात करते हैं दोनों के बैक पैनल की, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों फोन्स को घुमा लिया है, यहाँ पर आपको एक बार फिर से डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। OnePlus 6 और OnePlus 5T हालांकि देखने में दोनों ही बहुत ही आकर्षित दिखने वाले स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन OnePlus 6 की लुक्स अब काफ़ी एनहांस हो गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी ने इसमें अब ग्लास का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी ग्लॉसी है और आपको एक अच्छी लुक भी देता है और आपको काफ़ी अट्रैक्टिव भी रहेगा। हालांकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ़ोन आपके हाथ से गिरेगा तो इसके टूटने के थोड़े चांसेस हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर पहले राउंड था, अब कंपनी ने इसको रेक्टेंगुलर कर दिया है, और कैमरा प्लेसमेंट भी ऊपर जो यहाँ पर दी थी अब वो कंपनी ने इसको वर्टिकल शेप में बीच में कर दिया है, और साथ साथ LED फ्लैश लाइट भी कंपनी ने यहाँ पर नीचे की तरफ दे दी है। और आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इस बार कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है डिज़ाइन बाय OnePlus। अब हम आपको दिखाते हैं इनके बॉटम्स को कि इनके नीचे की तरफ क्या दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ दोनों में आपको स्पीकर ग्रिल मिलेगी, 3.5mm ऑडियो जैक मिलेगा और उनके बीच में दिया है टाइप सी पोर्ट। तो चलिए अब बात आती है इन फोन्स के बेसिक स्पेसिफिकेशंस की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले का साइज क्या है, डिस्प्ले में रेजोल्यूशन कितना दिया है। तो अब बात करते हैं इन दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन की, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OnePlus 5T में आपको मिलता है 6 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले है, और इसमें ऑप्टिक एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। वहीं हम बात करें OnePlus 6 की, तो कंपनी ने इसमें दिया है 6.28 इंच का डिस्प्ले, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया है, और इसमें भी आपको ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले ही मिलता है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के डिस्प्ले इक्वली ब्राइट है, वाइब्रेंट है, आप देख सकते हैं एकदम शार्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ साथ दोनों का टच रिस्पांस भी काफी स्मूथ है, और जो मेन डिफरेंस है वो नॉच का है, वो आपको शुरू में बता ही चुका हूं। और ऐसे में यहां पे कहना चाहूंगा, अगर आपको नॉच पसंद है तो आप OnePlus 6 को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अब इंटरनल्स की अगर हम बात करें तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट की गई है। मैं आपको एक बार इनके इंटरनल स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूं सारे इन दोनों फोन्स के। यहां पे हम जरा सेटिंग्स खोल देते हैं, और आपको बता दूं कि OnePlus 6 में कंपनी ने जो इंप्रूवमेंट दी है, एक और जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है वो है प्रोसेसर की। OnePlus 6 में आपको मिलेगा Snapdragon 845 चिपसेट, जबकि OnePlus 5T में दिया है Snapdragon 835। पिछले साल अगर देखेंगे तो 835 एक पावरफुल चिपसेट था Qualcomm की ओर से, और इस बार 845 चिपसेट है वो Qualcomm का अब तक का पावरफुल चिपसेट है। तो जो OnePlus है हमेशा ही आपको पावरफुल चिपसेट मुहैया करवाती आई है। इस बार साथ साथ बता दूं कि इसमें भी आपको 8GB रैम, 128GB स्टोरेज मिलेगी, और आपको 664 भी मिलेगी। साथ साथ इस बार एक नया एडिशन पेश किया गया है 8GB रैम के साथ 256। साथ ही साथ इस बार एक नया एडिशन भी पेश किया गया है जिसमें आपको 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिलती है। हालांकि वो मॉडल थोड़ा सा कंपनी बाद में पेश करेगी। बात की जाए कैमरास की, तो कंपनी ने वो भी इस बार सेम ही रखे हैं। OnePlus 6 में आपको OnePlus 5T की तरह ही 16 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर मिलता है। दोनों में ही f1.7 अपर्चर दिया है और दोनों का सेंसर साइज भी सेम है। आइए मैं आपको इन दोनों फोन से कैमरा UI दिखा देता हूँ। और जब हमने इन दोनों फोन का टेस्ट किया था तो इन दोनों फोन की पिक्चर क्वालिटी भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही लगी, चाहे डे लाइट सिचुएशन हो या फिर लो लाइट कंडीशन, दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम साबित होते हैं। वही बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है, f2.0 का अपर्चर दिया है, और दोनों में ही आपको ऑन स्क्रीन फ्लैश मिलती है। इस बार भी कंपनी ने LED फ्लैश लाइट सेपरेट नहीं दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दोनों का टेस्ट दिखाता हूँ एक बार। शटर स्पीड इक्वली फास्ट है, हालांकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो शायद इसके डिस्प्ले की वजह से हो सकता है। अदरवाइज क्वालिटी वाइज जब हमने टेस्ट किया था दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम दिखे थे। शटर स्पीड आप देख सकते हैं कि सेम है, पर यहाँ पर जो OnePlus 6 में कंपनी ने एडिशन किया है वो ये कि अब आप इसके वीडियोस में जो है
4K रिकॉर्डिंग एट 60 FPS भी कर सकते हैं। साथ साथ कंपनी ने इसमें आपको सुपर स्लो मोशन भी दिया है जो कि आप 480 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं बात की जाए बैटरी की तो OnePlus 6 में आपको बैटरी भी OnePlus 5T वाली ही मिलेगी, यानी इसमें भी आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही साथ दोनों ही फोन्स में एंड्रॉयड ओरियो दिया है और दोनों में ही कंपनी के कलर OS की लेयरिंग दी गई है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 5.1.1 दिया है, लेकिन OnePlus 6 में ऑक्सीजन 5.1.2 दिया है और एंड्रॉयड ओरियो 8.1 है OnePlus 6 में, और OnePlus 5T में भी एंड्रॉयड ओरियो 8.1 ही दिया है। कहने का मतलब यह है कि इस बार जो इम्प्रूवमेंट की गई है OnePlus 6 में वो डिज़ाइन और इसके प्रोसेसर में की गई है। डिज़ाइन में इसका स्क्रीन का नॉच भी शामिल होता है। ऐसे में यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनके प्राइस रेंज में भी काफ़ी डिफरेंस है। एक और OnePlus 6 है जो कि लगभग 40,000 रुपये का आता है और एक और OnePlus 5T है जो लगभग 32,000 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कैमरा सेम है, प्रोसेसर में जो मेजर डिफरेंस है वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो कि बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलते हैं। लेकिन अगर आपका गेमिंग का इतना यूज़ नहीं है और आप डे टू डे लाइफ के लिए एक स्मार्टफोन चाहते हैं, तो मैं आज भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप OnePlus 5T की तरफ ही जाएं। पर एनीवे, ये तो था मेरा इन दोनों फोन्स को लेकर छोटा सा ओपिनियन। आपकी क्या राय है प्लीज़ वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।